Hello everyone, good afternoon to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the third and last lecture of the day, that is based on daily current affairs. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लेक्चर दो दिन से लगातार डिले हो रहा है, क्योंकि लैपटॉप में कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं ये लेक्चर आप लोगों तक सुबह सुबह नहीं पहुंचा पा रहा हूं, बट कोशिश रहेगा कि कल से मैं लेक्चर आप लोगों तक सही टाइम पे पहुंचा दूं, यानी 9 बजे से पहले आपको तीनों लेक्चर मिल जाए। हमारा MCQ बेस्ड करेंट अफेयर और द हिंदू एटोरियल वोकैब, ये दो लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाके उसे देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि कोरोना केस में USA टॉप पे बना हुआ है, ब्राजील सेकेंड पे एंड इंडिया थर्ड पे। इंडिया में टोटल डिसीज्ड है 51,955, इंडिया में टॉप पे चल रहा है महाराष्ट्र 6 लाख केस, तमिलनाडु अराउंड 3.4 लाख केस, आंध्र अराउंड 2.96 लाख केस। तो ये चलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रशांत भूषण के केस का जो जजमेंट सुनाया था कि उन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का दोषी पाया गया था और उन्हें सजा और फाइन दोनों हो सकती है, उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन लॉन्च किया गया है इनटू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ पर्सन कैन मेक पब्लिक एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द जुडिशरी, जिससे कि वो लोग रिव्यू करेंगे, वो लोग देखेंगे कि किस सर्कमस्टांसेस में जो कोई भी पब्लिक एलिगेशन लगा सकता है कोई भी पब्लिक जुडिशरी पे करप्शन का, किस किस सर्कमस्टांसेस में, इसको वो लोग तय करेंगे, इसको वो लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि कोई भी ट्विटर पे जाके, कोई भी फेसबुक पे जाके, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अपने जुडिशरी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस डाला जा सकता है। इसी केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे लॉन्च किया है कि ऐसा कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस उनके द्वारा दिया जाएगा जिसके तहत पब्लिक एलिगेशन लगा सकते हैं करप्शन का हमारे एक्टिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के ऊपर। NET JEE एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया। 11 राज्य से 11 स्टूडेंट के द्वारा पेटिशन दायर किया गया था एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने के लिए, तब तक कि जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये स्टूडेंट के लाइफ का सवाल है और ऑलरेडी काफी सारी पढ़ाइयां जो है वो खतरे में पड़ चुकी है, सो अब एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। फेसबुक इंडिया पब्लिक पॉलिसी चीफ जो कि जिनका नाम है अंकी दास, उनको थ्रेट मिला है, उन्होंने जाके FIR दर्ज की है। और ये FIR किसके बाद दर्ज किया गया, क्या हुआ था ओरिजिनल इंसिडेंट वो देखते हैं। एक आर्टिकल पब्लिश किया था द वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जिसको कि मिस कैरेक्टराइज्ड और डिस्टॉर्ट मैनर में इंडिया में ले लिया गया, क्योंकि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक रिपोर्ट बोलता है कि अंकी दास जो कि पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है फेसबुक की, वो FB के हेट स्पीच रूल को उन लोगों पे अप्लाई नहीं करती या उन ग्रुप पे अप्लाई नहीं करती जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, BJP से जुड़े हुए हैं। और इसी का बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कि दास जो है मिस दास, वो उसे प्रमोट करती है, वो उसे उस अकाउंट को ब्लॉक नहीं करती, उस हेट स्पीच को फैलाने से रोकती नहीं है, यही हमारा मेन इशू है यहाँ पे। और यहाँ पे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि फिजिकल एग्जाम, जिन लोगों ने ओपन बुक एग्जाम को सेलेक्ट नहीं किया उनका सितंबर 14 से एग्जाम लिया जाएगा। और ये 3 टाइम रजिस्टर हैं, MLA हैं आपके ओडिशा के, और ये जो है खुद जाके पैडी के खेत में खेती करते हैं। इन्होंने कहा कि इनका मेन व्यवसाय जो है खेती करना ही है, बस लोगों की सेवा करने के लिए ये राजनीति में उतरे हुए हैं। चलते हैं अपने न्यूज की ओर। हरियाणा टू कंडक्ट ई लोक अदालत ऑन August 29, यानी हरियाणा ने ई लोक अदालत को स्टार्ट किया है 29 अगस्त से। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ई लोक अदालत, तो वो था हमारा छत्तीसगढ़। ये न्यूज आप याद रख सकते हो कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने ई लोक अदालत को स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ ने। और अब हरियाणा ने भी इसे स्टार्ट कर दिया है COVID-19 को देखते हुए, क्योंकि ऐसे फंक्शन कर पाना काफी मुश्किल है और केसेस की पेंडेंसी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ई लोक अदालत को हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। दूसरा चलते हैं दूसरा न्यूज की ओर कि ओडिशा के द्वारा एक वहां काफी फेमस टेम्पल है, देखिए उस टेम्पल का नाम देख लीजिए, लिंगराज टेम्पल। ये कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है, हमारे इंडिया के ओडिशा स्टेट में स्थित है। ऐसे कोरोना के चक्कर में काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो चुकी है सारे स्टेट को, बट स्टिल ओडिशा के गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि डेवलपमेंट का काम, रीडेवलपमेंट का काम लिंगराज टेम्पल का स्टार्ट होगा। और यहाँ पर एक
ये नाम याद रखिएगा, 50 एक पेरिफेरल एरिया है जो कि 55 मीटर टॉल टेंपल का, जिसको बोला जाता है एकम रावण। एक बार ये देख लीजिए, एकम रावण क्षेत्र। ये 55 मीटर टॉल जो टेंपल है उसके सामने वाला जो पेरिफेरियर एरिया है उसको बोला जाता है एकम रावण क्षेत्र। और ये किस टेंपल का? लिंगराज टेंपल में, जो कहाँ अवस्थित है? ओडिशा राज्य में अवस्थित है। तो चलिए, अब ओडिशा का नाम आ गया तो ओडिशा को मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा ओडिशा राज्य, जो अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। ये तेलंगाना के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। यहाँ के क्लासिकल डांस है ओडिसी। गवर्नर है गणेशी लाल जी और सीएम है नवीन पटनायक। स्टेट एनिमल है सांबर डियर। स्टेट बर्ड है इंडियन रॉलर। और साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन के मामले में माने तो ओडिशा जो 11th लार्जेस्ट है, और एरिया के माने में माने एरिया के तुलना में अगर कंपेयर करें, हम एरिया से कंपेयर करें, तो ये इंडिया का 8th लार्जेस्ट स्टेट है। चलिए एक चीज बताइए कि पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट कौन सा है? तो ये हमारा यूपी। एरिया के मामले में फर्स्ट कौन सा है? तो ये है हमारा राजस्थान। ये आपको थोड़ा सा करंट याद रखना चाहिए। राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। ये वही राकेश अस्थाना जी हैं जिनके ऊपर सीबीआई डायरेक्टर के द्वारा एलिगेशन लगाया गया था करप्शन का। बाद में भले ही इन्हें क्लीन चिट दे दिया गया और उस टाइम उन्हें इस सीट से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, बट आज उसी राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। करंट के न्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में बीएसएफ डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? राकेश अस्थाना जी को, जो कि पहले सीबीआई से जुड़े हुए थे। सीबीआई से उन्हें निकाल दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा हुआ था। और ये कब लगा था? ये 2018 में उनके ऊपर लगाया गया था, उस टाइम के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा जी के द्वारा। चलिए बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका मेन काम होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, और इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट नहीं है, बट थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने इसे बता दिया कि एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना था एक इंसान का, जो कि 37 ईयर ओल्ड, वो चेन्नई में थे, ठीक है। एक पेशेंट आए जो कि 39 ईयर ओल्ड, एक वुमेन थी जो कि पुणे बेस्ड थी, उनका ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस ब्रेन इनके हार्ट को चेन्नई पहुंचाना था, तो चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए फ्लाइट भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बट ग्रीन कॉरिडोर उस टाइम एस्टेब्लिश किया गया पुलिस के द्वारा, और एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया जो कि पुणे से उस हार्ट को चेन्नई पहुंचा गया और ट्रांसप्लांट का काम किया गया। इस बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया जो कि एम्बुलेंस को बिना किसी डिले के हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो ये न्यूज थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि हाल फिलहाल में अभी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या न्यूज में चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये न्यूज जिस दिन ये न्यूज आया था अलेक्जेंडर लुकाशेंको को, जिस दिन वहां का लीडर बताया गया था बेलारूस का, मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ काफी ज्यादा स्ट्राइक चल रहा है, लोग उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80% वोट मिले थे, जबकि इनकी अपोजिशन जो थी उनको ओनली 8.8% वोट मिला था। उनका नाम है सविटलाना सिकानोस्काया, ये देख सकते हैं सविटलाना सिकानोस्काया, इनको बस 8.8% वोट मिले थे। तो लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट जारी है, लोगों का कहना है कि इलेक्शन को फेयर तरीके से नहीं कराया गया था, उनके द्वारा कुछ ना कुछ घपला किया गया था या चीटिंग किया गया था। और इसी बीच में उनकी जो अपोजिशन है जो कि हार गई थी सविटलाना सिकानोस्काया, उनके द्वारा बोल दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर सबसे, वहां के ब्यूरोक्रेट सबसे रिक्वेस्ट किया गया है तो कि वो उनका सपोर्ट करें, वो रेडी है चार्ज लेने के लिए और वो कंट्री को संभालने के लिए तैयार हैं। बट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि वो लोगों की प्रोटेस्ट के प्रेशर में आके अपना पोस्ट नहीं छोड़ने वाले। हाँ, भले ही वो री इलेक्शन के लिए रेडी हैं, वो रेफरेंडम के लिए रेडी हैं। तो ये हमारा केस चल रहा है बेलारूस का। चलिए इसको थोड़ा सा न्यूज में देख लिया जाए, शेयर कराता हूँ आपको बेलारूस की आज। ये रहा हमारा प्यारा भारत। चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा बेलारूस की तरफ। ये रहा आपका बेलारूस कंट्री। ये अपना लैंड किसके इसके साथ शेयर कर रहा है? पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इधर देख सकते हैं आप यूक्रेन, और इधर आपका रसिया के साथ ये अपना
बॉर्डर शेयर कर रहा है। मैंने आपको बेलारूस का शेयर करा दिया। अब चलते हैं अपनी न्यूज की ओर। ये न्यूज हाल फिलहाल में आ सकता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहां की फुल पावर आउटेज हो गया, और वो कंट्री बनी श्रीलंका, जहां की पूरा नेशन में पावर आउटेज हो गया। वो कब हुआ था? मंडे को हुआ था। एक आवर से ज्यादा लॉन्ग ये आउटेज चला था। वो बोला जा रहा था, रीजन बोला जा रहा है कि पावर प्लांट में अनस्पेसिफाइड फेल्योर के कारण ये हुआ था। कुछ एक टेक्निकल इशू आ गई थी जिसके कारण फेल्योर हो गया था, जो कि पूरा नेशन जो था पावर आउटेज से जूझ रहा था। प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा बोला गया है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को अगले 15 दिन में लॉन्च कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बताया गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर को ही ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि एशियाटिक लायन के लिए होगा। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो होगा वो सी डॉल्फिन और ओशियन डॉल्फिन दोनों डॉल्फिन के लिए होगा। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा बोल दिया गया कि अगले 15 दिन के अंदर जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात आ गई तो थोड़ा सा जान लेते हैं बैकग्राउंड में जाके, ये प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और उन टाइम की गवर्नमेंट कौन थी, प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, वो थी मिस इंदिरा गांधी जी। उनके टेन्यूर में इसको लॉन्च किया गया था। कैलाश संखला जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट टाइगर के। और ये प्रोजेक्ट टाइगर का मेन एम क्या था, बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करना। और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही फिलहाल में एक लिस्ट निकला था कि इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर की जनसंख्या को डबल कर लिया है, यानी कि अब वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड में जाने तो सबसे ज्यादा टाइगर अब इंडिया के पास है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। बीजेपी के कैंडिडेट जयप्रकाश निषाद जी को अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया राज्यसभा से, यूपी से। कहां, यूपी के राज्यसभा से बीजेपी कैंडिडेट जयप्रकाश निषाद जी को अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया, यानी कि उनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और उन्हें बिना किसी वोटिंग के ही नियुक्त कर दिया गया राज्यसभा का एमपी। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के जी के द्वारा एक ई पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्वस्थ ई पोर्टल, जो कि ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए इसे लॉन्च किया गया है, जिसका मेन काम है कि ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनसे रिलेटेड उनका सारा हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस ऑनलाइन पोर्टल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसको लॉन्च कराया गया है गोल स्कीम के तहत। गोल एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अर्जुन मुंडा जी के द्वारा COVID-19 के टाइम पे, जिसका फुल फॉर्म था आपका गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये गोल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, ये गोल प्रोग्राम होता क्या है। गोल प्रोग्राम को अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मेन काम था कि 5000 ट्राइबल यूथ को सेलेक्ट करना, उन्हें पोटेंशियली फुल पोटेंशियल से उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने सिखाना, उनके पोटेंशियल को बढ़ावा देना। इसमें आप मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, कोई भी यूथ या वुमेन कोई भी हो सकती हैं, जिनको अप स्किल करना, उनको डिजिटलाइज करना, डिजिटल लिटरेसी प्रदान करना, जिसके द्वारा वो अपने साथ साथ अपने ट्रैवल ग्रुप को भी बढ़ावा दे सके, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे सके, डिजिटल लिटरेसी में इंक्रीमेंट दे सके उन लोगों को। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था गोल प्रोग्राम का, जो कि अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, जो कि ट्राइबल मिनिस्टर है इंडिया के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। चिंगम मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर स्टार्ट हो गया है, और उसके इवनिंग पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मलयालम पीपल को विश किया गया है। और ये चिंगम क्या है, मलयालम कैलेंडर का मंथ जो होता है वो चिंगम मंथ से स्टार्ट होता है, उसी पे पीएम मोदी जी ने ग्रेट किया है मलयालम भाई बहनों को। अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस IIT ने हाल फिलहाल में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन स्टार्ट किया या सेलिब्रेट किया है, तो वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के द्वारा हाल फिलहाल में डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया गया, और इसका इनॉग्रेशन किया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा। वेंकैया नायडू जी ने वहां के स्टूडेंट से अपने स्पीच में बोला, चूंकि ये अभी कुछ भी हो रहा है तो वर्चुअली ही हो रहा है, अभी लोगों का प्रेजेंस नहीं हो रहा है, ज्यादातर लोग वहां जाके किसी चीज को इनॉग्रेट नहीं कर रहे हैं, सब लोग वेबिनार के थ्रू ही इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो इसी इनॉग्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा बोला गया कि
जो रियल प्रॉब्लम फेस कर रही है जनता, उस प्रॉब्लम को सेलेक्ट करे आईआईटी के स्टूडेंट और उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए तत्पर हो, उसका सॉल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करें, खासकर हमारे फार्मर्स और जो रूरल इंडिया के लोग हैं, उन वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको पिक किया जाए आईआईटी के द्वारा और उस पर काम किया जाए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि टॉप 500 इंस्टीट्यूट में इंडिया के बट 8 इंडियन इंस्टीट्यूट आते हैं, जो कि थोड़ी सी दुखद बात है, और टॉप 100 में इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। ये न्यूज मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया है कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पहली बार भारत का ट्राइकलर होस्ट किया जाएगा, और ये होस्ट किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, जो कि इंडियन कौंसुल जनरल रणधीर जायसवाल जी के द्वारा ये होस्ट किया गया। इस अवसर पे सभी लोग ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथ वेयरिंग मास्क, जो कि अभी मास्क को पहनना जरूरी हो गया, ये तो अब आपके अटायर का एक मेन पार्ट हो गया है। निशिकांत कामत जो कि एक फिल्मकार थे, उनकी डेथ हो गई है, जो कि 50 इयर्स के थे हैदराबाद में। उनके द्वारा सबसे मस्त मूवी आप लोगों ने देखी होगी, सबसे ज्यादा फेमस मूवी है दृश्यम, जो कि अजय देवगन और तब्बू स्टारर मूवी थी दृश्यम। काफी फेमस ये मूवी हुई थी, काफी बड़ी थ्रिलर मूवी थी, बिगेस्ट हिट साबित हुई थी। इसके वो डायरेक्टर थे और साथ ही साथ इन्होंने रॉकी हैंडसम में भी एक्टिंग की थी, जो कि 2016 में जॉन अब्राहम की मूवी आई हुई थी। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे और फिल्म में भी अपना डायरेक्शन दिया था। उनकी डेथ हो चुकी है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्टिंग किट कोरोस्योर को डेवलप किया गया। नाम याद रख सकते हैं कोरोस्योर को किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो वो डेवलप किया गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। कल मैंने बताया था सेलिवा टेस्ट के बारे में, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यूएसए के एफडीए के द्वारा उसे नॉट दिया गया था, यानी कि वो यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया था और अब आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया। इसका एक खूबी ये है कि इसका कॉस्ट जो है बस 500 रुपीज लगेगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट रिजल्ट सिर्फ 3 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया अटल एआई स्टेप अप मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट ऑन इंडिपेंडेंस डे इवनिंग। इससे पहले अटल एआई मॉड्यूल को ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, वो भी नीति आयोग के द्वारा ही, और इस बार फिर से उसी को थोड़ा सा और प्रोग्रेस करते हुए आप बोल सकते हो कि उसी इनोवेशन के सेकंड पार्ट को अटल एआई स्टेप अप मॉड्यूल, जो कि नैसकॉम के साथ मिलकर नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च कब किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया, जिसके तहत एआई एजुकेशन और इनोवेशन को स्कूल के प्रत्येक स्कूल में पहुंचाना है, प्रत्येक स्कूल के क्लासरूम तक पहुंचाना है और इसको नेक्स्ट लेवल तक और ज्यादा बढ़ाना है। पहला अटल एआई मॉड्यूल्स का काम था कि एआई को स्कूल तक पहुंचाना है और अब इसको पूरे कंट्री तक फैलाना है, सारे एक एक स्कूल तक पहुंचाना है, और इसका मेन काम कौन देख रहा है, नीति आयोग देख रहा है, किसके सहयोग के साथ, नैसकॉम के साथ इसमें पार्टनरशिप किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, वो है अमिताभ कांत जी। ये न्यूज ऑलरेडी, ये जो करंट अफेयर्स से तो ये रिलेटेड नहीं है, स्टैटिक ही है, ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। इसरो और आईएससी बेंगलोर ने मिलकर एक सस्टेनेबल प्रोसेस खोज लिया है, जिससे वो स्पेस ब्रिक तैयार कर सकते हैं, वो भी लूनर सरफेस पे ही। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ से कुछ भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाया जाए तो उसका कॉस्ट होता है अराउंड ₹7.5 लाख। एक पाउंड के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ले जाने का कॉस्ट होता है 7.5 लाख। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा कॉस्ट है। सो इसरो और आईएससी बेंगलोर के द्वारा सस्टेनेबल प्रोसेस डेवलप किया गया, जो कि स्पेस ब्रिक्स वहीं के मटेरियल से बनाया जाएगा और वहीं पे लूनर सरफेस में ही बनाया जाएगा। और इस प्रोसेस में उन्होंने यूज किसको करेंगे, यूरिया यूज करेंगे, जो कि ह्यूमन यूरिन से मिलेगा, जो कि लूनर सॉइल पे मिक्स कर दिया जाएगा और स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा मून पे ही। अगर ऐसा प्रोसेस सक्सेस हो गया, अगर ऐसा फिजिबल हो गया, तो सबसे बड़ी बात है कि कितना ज्यादा कॉस्ट कम हो जाएगा। धरती से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाया जाता था वो अब नहीं ले जाना पड़ेगा। आपका 7.5 लाख रुपया पर पाउंड, आप सोच सकते हो कितना ज्यादा कॉस्ट लग सकता है, ये कॉस्ट बचेगा। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं कि जुलाई 2020 के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आप देख सकते हो 1858 रोड ऑफ लेंथ 11517 किलोमीटर एंड 84 ब्रिजेज have been completed in जम्मू कश्मीर। ये न्यूज मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जब से वहां का स्पेशल स्टेटस हटा है, तब से आप लोग देख सकते हो कि वहां काम होना स्टार्ट हो गया, इतना सारा सड़क बनाया गया,
इतने सारे ब्रिज के काम स्टार्ट हो गए, साथ ही साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख में भी रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ब्रिजेज को बनाया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। सो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ और आजकल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं मिल रहा है। सो ये ज्यादातर न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से मिल रहा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो। ऐसे आलतू फालतू पॉलिटिकल न्यूज काफी होते हैं बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट नहीं होते, इसलिए मैं उन्हें कवर नहीं करता हूँ। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा, और हाँ जो जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो लोग जाके हमारा एमसीक्यू बेस्ड करेंट अफेयर जरूर देखें, वो काफी इंपॉर्टेंट आता है। अराउंड 15 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन वो भी प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बताया जाता है वहां पे। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कल मैं आशा करता हूँ हमारा सारा लेक्चर टाइम पे आएगा। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मटेरियल को लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।